हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ब्रिलियंट माइंड्स मैन हीरो। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल बी टीचिंग यू कंसोलिडेट। यस, इट्स अ टूल, वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन कोड 402 क्लास 10। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज कंसोलिडेशन? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन द कंटेंट्स ऑफ द सेल्स फ्रॉम सेवरल शीट्स विल बी कंबाइंड इन वन प्लेस। यस स्टूडेंट्स, आपके अगर डिफरेंट सेवरल शीट्स हैं, बहुत सारी शीट्स के अंदर आपका डिफरेंट डिफरेंट डेटा है, आप चाहते हैं वो सारा डेटा, इट शुड बी कंबाइंड इन वन सिंगल शीट, सेपरेट शीट। हाउ दिस कैन बी डन, इसको मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसे आप करेंगे। इसके लिए आपको करना होगा, आप जाइए कैलसी के अंदर, देखिए यहाँ पर आई हैव ऑलरेडी मेड 3 सेपरेट शीट्स फॉर दिस पर्पस। फॉर जनवरी मंथ आई हैव टेकन द स्टेशनरी आइटम्स एंड देयर क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी शॉपकीपर ने सेल की थी, लाइक पेन 55 पीसेस, पेंसिल्स 34, इरेजर, शार्पनर एंड सो ऑन। इन फरवरी अगेन सेम आइटम्स एंड द क्वांटिटीज गिवन हियर। देन फॉर मार्च अगेन ऑल द क्वांटिटीज ऑफ द आइटम्स इज देयर। अब शॉपकीपर वांट्स टू नो द टोटल सेल, द टोटल क्वांटिटी ही हैज सोल्ड इन दीज 3 मंथ्स, या जितने भी मंथ्स का या पूरा ईयरली आपको निकालना है, इवन दैट कैन बी ऑल्सो कैलकुलेटेड। फॉर दिस गो टू सिंगल शीट, एक सिंगल शीट में जाइए, उसके अंदर ब्लैंक शीट एंड फर्स्ट कॉलम के अंदर आप आ जाइए, ठीक है। कम टू द फर्स्ट सेल हियर, देन गो टू डेटा, डेटा मेन्यू में, देन यू विल फाइंड हियर कंसोलिडेट। ओके, जस्ट क्लिक हियर, द पॉपअप बॉक्सेस हियर इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले आपके सामने है फंक्शंस नेम्स, सो बाय डिफॉल्ट सम इज देयर, बट देयर इज काउंट, एवरेज, मैक्स एंड मिन, सो मेनी फंक्शन देयर, लेकिन हमारा पर्पस यहाँ पर सम फंक्शन से हो जाएगा। सो फॉर टीचिंग यू आई एम यूजिंग हियर सम फंक्शन। ओके, अभी मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। सो आपको यहाँ पर यू हैव टू गिव द रेंज, यानी आपको कौन कौन सी शीट से आपको कौन कौन सी रेंज लेनी है, कौन सा डेटा लेना है, दैट यू हैव टू सिलेक्ट। सो फर्स्ट आई विल गो टू फर्स्ट शीट, जनवरी के अंदर आई हैव टू सिलेक्ट दिस अलॉन्ग विद द हेडर्स, लेबल्स के साथ में यहां तक मैंने सिलेक्ट किया। सी हियर, यहां पर ये अपने आप ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आ गया, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन ऐड बटन, सी हियर, वो यहां पर आ गया आपके सामने। ओके, नाउ कम टू फरवरी, इसका भी आपको कंसिडर करना है, इसको भी आपको टोटल करवाना है कितनी सेल हुई। अगेन यू हैव सिलेक्टेड सेल, यहां पर आपके सामने फरवरी का भी आ गया, जस्ट क्लिक वंस अगेन ऐड बटन। अब हमें एक मार्च का भी लेना है, यहां पर आइए सिलेक्ट करिए लेबल्स के साथ में पूरे डेटा को, सी हियर मार्च यहां पर शो हो रहा है, देन क्लिक ऑन ऐड। ओके, वन मोर थिंग आपको सेट करनी है, दैट इज क्लिक ऑन दिस चेक बटन जो आपका है ऑप्शंस के ऊपर। अब इसके अंदर है रो लेबल्स, कंसोलिडेट बाय रो लेबल्स, यस रो लेबल्स आपको चाहिए, ट्रू। कॉलम के लेबल्स चाहिए आपको, यस वेरी ट्रू। थर्ड ऑप्शन इज लिंक टू सोर्स डेटा, व्हाट्स द यूज ऑफ दिस आई टेल यू लेटर ऑन, अभी मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ, और लिंक करने का क्या पर्पस है वो आपको भी दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी डेटा में कुछ चेंजेस करके। ओके, जस्ट क्लिक ऑन ओके बटन, सी हियर, ये कंसोलिडेटेड शीट है हमारी, यहाँ पर स्टेशनरी एंड क्वांटिटी। यहाँ पर स्टूडेंट्स यू कैन डू द फॉर्मेटिंग एज यू विश, यहाँ पर आपको बॉर्डर्स चाहिए, आपको कलर्स चाहिए, जो भी आपको करना है यहाँ पर, आपको इस शीट में आपको खुद यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग करनी है, जो भी चेंजेस करने हैं करिए। एक और चीज आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने प्लस के सिंबल भी आ गए हैं। फर्स्ट आई शो यू आपको, देखिए जनवरी में आपका कितना था पेन 55, फरवरी में 48, देन मार्च में 12, सो इन टोटल इट बिकम्स 115। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स 1 और 2 भी दिखाई दे रहा है, 1 और 2, 2 पर क्लिक करते क्या हुआ, आपके सामने सारा डेटा कंप्लीट मंथ वाइज भी आपको शो कर रहा है। सी हियर, पेन इन जनवरी 55, पेन इन फरवरी 48, पेन इन मार्च वर सोल्ड 12, देन टोटल पेन कितने सोल्ड हुए 115, एंड सो ऑन, इरेजर, पेंसिल, ब्रशेस, रजिस्टर्स, एवरीथिंग इज देयर। तो आपको मंथ वाइज डेटा भी यहां पर आपको शो हो रहा है, ठीक है। आपको अगर किसी पर्टिकुलर मंथ का, आपको मैंने यहां पर सारे मैंने क्लोज कर दिए, सब प्लस हो गए मेरे सामने, आपको पर्टिकुलर किसी का देखना है, सपोज नोटबुक का, क्लिक करिए नोटबुक की आपके सामने डिटेल आ गई। तो इस तरह से आप बहुत इजीली आप लोग समराइज कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं डेटा इन सेवरल शीट्स इनटू वन सिंगल शीट। ओके, नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू,
कि अगर आपने सपोज किसी मंथ में, ऐसा भी तो हो सकता है उन्होंने सिर्फ एक या दो आइटम्स मंगाए शॉपकीपर में, ताकि बस वो किसी का ऑर्डर था कि हमें प्लीज मंगवा दीजिए, स्टेपलर सपोज 5 ऑर्डर था, उन्होंने 5 यहाँ पर बेचे, लेकिन जनवरी में स्टेपलर इज नॉट देयर एंड मार्च में भी स्टेपलर इज नॉट देयर। अब यहाँ पर हमारा यूज होता है लिंक हमने जो किया था सोर्स से, यानी ये जो हमारा सोर्स है इसको भी वो कंसिडर करेगा। सपोज 31 उन्होंने सोल्ड किए थे, लेकिन बाद में फिर एक ऑर्डर आ गया, बाद में चेंजेस किए या उनसे कुछ बाय मिस्टेक गलती हो गई, वो फिल करना भूल गए, बाद में अगेन उनको याद आया कि 100 रजिस्टर और भी गए थे किसी एक सिंगल पार्टी को। ओके, नाउ आपने यहाँ भी दे दिया, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी आप इसके अंदर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नाउ कम टू कंसोलिडेट शीट वंस अगेन। अब इसमें गो बैक टू डेटा देन कंसोलिडेट। यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैंने आई मेड चेंजेस इन फरवरी, तो एक बार आपको फरवरी की जो शीट है यू हैव टू डिलीट। ओके, अब क्या करना है मुझे, अब फिर से ऐड करना पड़ेगा विथ न्यू डेटा। मुझे अब जो न्यू डेटा है उसकी रेंज भी देनी है। सी, मैंने सारी रेंज अब ली है कलेक्टिवली, अब यहाँ पर फरवरी आ गया। हाँ, सीक्वेंस जरूर चेंज हो जाएगा अगर हम देखेंगे माइनस प्लस, हम उसको एक्सपैंड करके, तो जनवरी मार्च उसके बाद वो फेब दिखाएगा। यहाँ पर आपको ऐड क्लिक करना है, सी हियर जनवरी मार्च देन फेब देन क्लिक ओके। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर आपके सामने लेवल अप 3 भी आपके सामने आ गया है। 1 लेवल था, 2 लेवल था, ये देखिए आपका फर्स्ट लेवल, आई हैव क्लिक्ड ऑन नंबर 1। यहाँ देखिए टोटल क्वांटिटी ऑफ शॉर्पनर सोल्ड 73, रजिस्टर्स 117, ब्रशेस 181 एंड सो ऑन। इफ यू क्लिक ऑन नंबर 2, सी हियर आपको यहाँ पर पूरी डिटेल आपको दिखाई दे रही है, शो हो रही है। आपको अगर यहाँ पर एक एक आपको डिटेल देखनी है, आपको पेंसिल्स की आपने देखी जनवरी मार्च, अब देखिए आपको बताया था क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं तो मार्च बीच में आ गया, फरवरी बाद में आया। देन ये देखिए स्टेपलर, देखिए आप स्टेपलर फरवरी 5, देन स्टेपलर इन टोटल बिकम्स 5। ऐसे ही रजिस्टर्स है आपके सामने, सी हियर रजिस्टर्स मार्च में पहले 26 थे, रजिस्टर्स आपके सामने यहाँ पे जनवरी में 60, फरवरी में 31, मार्च में 26, नाउ रजिस्टर्स 117। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये कंसोलिडेशन वर्क करता है। जस्ट टू एक्सप्लेन आई कैन शो यू वन मोर एग्जांपल। जैसे एक टीचर ने यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पर एंटर किए हैं, जैसे PA1 PA2 आपके सामने होते हैं, वैसे ही टीचर ने कुछ मार्क्स यहाँ पर एंटर किए हैं, देन अलग शीट में उन्होंने सेकेंड एग्जाम के मार्क्स एंटर कर दिए। ओके, देन इन थर्ड शीट थर्ड PA3 के एग्जाम्स भी यहाँ पर के मार्क्स हैं यहाँ पर इंग्लिश के, ठीक है। उसके बाद टीचर को इनका कंसोलिडेशन चाहिए, तीनों PAs का उन्हें टोटल चाहिए। तो टोटल PAs का कैसे करेंगे, एक आप ब्लैंक शीट ओपन करेंगे, अगेन गो टू डेटा, देन इसके अंदर वही आपका कंसोलिडेट पे आप क्लिक करेंगे। या आपको जनवरी फरवरी मार्च यहाँ पर नहीं लेना है, आपको इनको डिलीट करना है, इसको भी आपने इसको भी डिलीट करना है। और यहाँ पर आपको ऐड क्या करना है, यहाँ पर आपको PA1, ये देखिए PA1 का आपको यहाँ से यहाँ आपने ऐड कर दिया। ओके, PA1 यहाँ पर आपका ऐड हो गया, देखिए PA1 ऐड, ठीक है। और इसको तो आपको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आपको सेकेंड PA2 भी लेना है, अगेन कम बैक हियर यहाँ पे, ठीक है। देखिए PA2 की यहाँ पर शीट सिलेक्ट हो गई, रेंज आ गई आपके सामने, देन क्लिक ऑन एड, सी वो यहाँ पर आपके सामने शिफ्ट हो गया PA1 PA2, देन PA3 के मार्क्स भी हैं वो एड होने आपके सामने, सी हियर अगेन सिलेक्ट द रेंज, ये PA3 भी आ गया, क्लिक ऑन एड। मैंने दो एग्जाम्पल इसलिए लिए स्टूडेंट्स, आपको यूज पता चले कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है कंसोलिडेशन का, एंड सेकेंडली आपका रिविजन भी हो जाएगा किस तरह से आपके क्या स्टेप्स हैं। क्लिक ऑन ओके, नाउ सी हियर टोटल PAs के अंदर आपको जाकर यहाँ पर आपको चेंजेस जितने भी होंगे आपके सामने, यहाँ पर देखिए डेटा के अंदर आप आ गए, यहाँ पे कंसोलिडेट में आ जाइए, PA 1 2 3 और ऑप्शंस के अंदर रो कॉलम लेबल्स, ठीक है, क्लिक ऑन ओके। ये सी यहाँ पर देखिए नेम्स आ गए, इंग्लिश रेनिका जैनब, ये सब आपके सामने यहाँ पर हो गया यहाँ पर। लेकिन इसके अंदर क्योंकि मैंने एक ही शीट में आपको सब दिखा दिया, सो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि इसमें कंसोलिडेट के अंदर उसने दूसरी भी शीट के इसके अंदर कंसोलिडेट लिया था जो कि हमें डिलीट करना चाहिए था,
ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट टू शो यू एग्जाम्पल्स, तो इस तरह से मैंने आपके सामने ये लिया था एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मेन प्रोसेस, द मेन स्टेप्स व्हाट यू कैन यूज इन दिस कंसोलिडेशन प्रोसेस. ओके, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड इट देन डू सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग माई वीडियोज. वेरी सून आई विल बी पब्लिशिंग मोर वीडियोज ऑन लिब्रे ऑफिस. टेक केयर, बाय बाय.